जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में कचरा उठाने वाले लोग पहले ही पीड़ित हैं, जो कि आप जानते हैं कि यहां पर सफाई कर्मचारी पहले से ही हड़ताल पर बैठे हुए हैं पिछले कई महीनों से। बावजूद इसके अब नया मामला आया है, जो कि इको ग्रीन कंपनी, चाइनीज़ ये कंपनी इको ग्रीन गुरुग्राम में, जिसने कूड़ा उठाने का ठेका लिया हुआ है। ठेका लेने के बाद में यह यहां के लोगों का पूरी तरह से शोषण कर रही है। मुख्यमंत्री की फटकार लगने के बावजूद भी इको ग्रीन कंपनी के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि गुरुग्राम में जितने भी ड्राइवर हैं उन सबकी सैलरी पिछले 4 महीनों से नहीं मिली। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ड्राइवरों ने अजय भारत मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि उन्हें पिछले 4 महीनों से ना तो सैलरी दी गई है, और जब भी वो सैलरी की डिमांड करते हैं, सैलरी मांगते हैं, तो उनके साथ में यहाँ गुंडे बुलाकर मार पिटाई कर दी जाती है, किसी को ज़बरदस्ती नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। पिछले 2 महीने पहले भी इस तरह की वारदात को यहाँ के लोगों ने अंजाम दिया, और साथ ही वो कहते हैं कि हम गुंडे बुला करके आपकी यहाँ पर पिटाई करवा देंगे, और साथ ही अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 4 महीनों से यह सैलरी के लिए परेशान है। वहीं लोगों ने बताया कि अप्रैल 2023 से उनका ना ESI जमा हुआ है, ना ही PF फंड में जमा हुआ है। किस तरह से वो अपने घर का गुजारा कर रहे हैं यह वही जानते हैं। उन्होंने अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी, जिस कारण से स्कूल से बच्चे बाहर निकाल दिए गए हैं। मकान मालिक किराया ना देने की सूरत में कई लोगों के घरों का सामान जो है जब्त कर चुका है, लेकिन वह दाने दाने को मोहताज होने के बाद आज हड़ताल पर आने को मजबूर हुए हैं। आज जब वे हड़ताल कर रहे हैं तो उन्हें फिर से आश्वासन ही दिया जा रहा है कि आपकी जो सैलरी है वो जल्द ही आपके खाते में आ जाएगी, लेकिन अभी ऐसी कोई भी बात को मानने के लिए वह तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अब हम आश्वासन नहीं, सैलरी चाहेंगे, हमारे अकाउंट में सैलरी दी जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि सैलरी जो कि उनकी 19,000 दिखाई जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ 10,000 ही दी जाती है। इस बारे में भी जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करके इस पर कड़ी कार्रवाई और संज्ञान लेकर के कार्य किया जाना चाहिए। अजय भारत की एक खास खबर आप देखिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नाम बताइए भाई सबका। मेरा नाम है नीतू बंसकार। क्या मामला सारा है? मामला सर ये है कि हम लोग सन 2023 से सैलरी नहीं आई है 4 महीने की, और सन 2024 आ चुका है। आज 10 तारीख है, 5वां महीना हम लोगों का हो चुका है, पर सैलरी का कोई नाम नहीं ले रहा। और जितने भी सीनियर हैं हमारे, ऊंची पोस्ट वाले हैं, मारने की धमकी देते हैं, गालियां भी देते हैं, और उसके बाद हम लोग अगर कुछ बोलने जाएं, ड्राइवर को मारा, यदि उसके बाद हम लोग कुछ बोलने जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि अंदर आओ, हमसे अकेले में बात करो। अकेले में बात करने के बावजूद ये लोग हम लोगों को लिख के देते हैं कि आप लोगों से निकाल दिया गया है। ये धमकियां देते हैं, पर तनख्वाह का कोई नाम नहीं ले रहा है। हम लोगों के घर बच्चे बैठा दिए स्कूलों से, मकान वाले के हर कोई तंग कर रहा है, पर हमारे 4 महीने से सैलरी नहीं है, 5वां महीना ये चल रहा है। किस कंपनी में काम कर रहे हैं? इको ग्रीन, इको ग्रीन है, इको ग्रीन है, इको ग्रीन में हम लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड इको ग्रीन कंपनी का है। और कहां पर काम करते हैं इको ग्रीन में? गुड़गावा अपना, यही बेरी बात। कौन सा जोन में आता है? और अप्रैल से हम लोगों का PF जमा भी नहीं हुआ, PF SI कुछ चीज भी जमा नहीं हुई। और जो कंपनी हम लोगों को वादा देती थी कि हर सुविधाएं देंगी, वो कोई सुविधाएं नहीं है, सारी सुविधाएं खत्म कर दी हैं। उल्टे से ड्राइवरों के ऊपर अनेक अनेक नियम लगा दिए हैं। कोई ड्राइवर से गाड़ी टूट फूट होता है, कुछ भी होता है, तो ड्राइवर जेब से लगाता है। कोई गाड़ी में कमी होती है तो ड्राइवर की तनख्वाह काटते हैं। सर यहाँ तक ड्राइवर 10,000 रुपये तनख्वाह कमाने वाला कहाँ तक इतना झेलेगा, और किराए पे रह रहा है यहाँ पे, अपने कमा रहा खा रहा बच्चों वाला, वो भी उनका टाइम से कमाई का पैसा नहीं आया 5 साल से। इसलिए आप लोगों से यही रिपोर्टिंग है, पिछले 5 साल से तनख्वाह भी नहीं बढ़ी। और अभी तक के रिकॉर्ड में 10,000 से लोगों ने 12,000 कोई सैलरी भी नहीं करी है। उसी सैलरी में से ये PF भी काटते हैं, PSI भी काटते हैं, सब कुछ करते हैं, और ऑनलाइन चेक करवाते हैं तो सैलरी हमारी 19,050 तो भी काट लेते हैं। सैलरी स्लिप मिलती है तो वही 10,000 वाली देते हैं। सैलरी स्लिप मिलता ही नहीं मिलता है, इमरजेंसी में सैलरी स्लिप मांगते हैं तो वो कम की सैलरी स्लिप बना के देते हैं। PF कटे अभी? अरे अभी बोलो ना, गाड़िया में कोई फोटो था वो भी लगा। ड्राइवरों से मेरा एक ही कहना है कि भाई कोई भी ड्राइवर पीछे ना हटे। यदि वो धमकी देते हैं नौकरी हटाने की, मैं कहता हूँ खुल के मुझे हटा दे, लेकिन मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा, छोड़ना ही नहीं। ड्राइवर लगता है इंदाबाद, 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 इको ग्रीन गुंडागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इको ग्रीन गुंडागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस इको ग्रीन में हमारे लोग हैं वो गुंडा पाल रखे हैं, ड्राइवरों को मारने की धमकी देते हैं, ड्राइवर हाथ उठाते हैं, और आज भी हमारे ड्राइवर को पिटवाया। क्यों हमारे इस बंदे पे ड्राइवर पे हाथ उठवाया, इसने बोला है क्या नहीं निकालने के ऊपर मारा इसको, क्या कहा था, किस बात पे होता, क्या पकड़ा सर? मैं बताइए
वहाँ पे वार्ड 13 का सुपरवाइजर था, उसने बोला कि क्या नाम है सुपरवाइजर, नाम बता दीजिए भाई, हटिए रे, ये बोला कि आधे घंटे में यहाँ से खाली कर दो वरना मैं सबको मार गुंडा बुलाऊंगा, लट लगाऊंगा गुंडा बुलाऊंगा, 10 मिनट में यहाँ से भीड़ खत्म करना है। मैं 100 ड्राइवर बुला रहा हूँ, इसने ये धमकी दिया है। हम वहाँ से निकल गया, पुलिस चौकी पे गया था कंप्लेन लिखाने, पुलिस चौकी ने कंप्लेन लिखा नहीं, हम लेबर कोर्ट जाने के लिए, राजेश जी इसने कंप्लेन लेने के लिए इनकार कर दिया, हम लेबर ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। लेबर कोर्ट मना क्यों किया, मना किया कि वहाँ से कोई फोन आ गया होगा, वो लोग का जानकारी है, हम लोग को बाहर का है, यूपी का है, असम का है, कोई बिहार का है, सब हम बाहर का आदमी है, यहाँ नौकरी कर रहा है, तो कोई किराया मकान मालिक का किराया नहीं दे पा रहा हूँ, झूठ से झूठ बोल रहा हूँ कि अंकल जी कल दूंगा परसों दूंगा, ये जैसा बताता है सोमवार को आ जाएगा, हम सोमवार का नाम लेते हैं, सोमवार को नहीं आया शुक्रवार का आ जाएगा, शुक्रवार का नाम लेता है, जो हमारे झूठ से झूठ ही हो रहा है। जो हमारे मेन सीनियर शिव बंधु सर हैं, उनने भी मीटिंग बुला के हम लोगों को कहा था कि हम लोगों का वादा, हम लोगों का बात मानो, और आज हमारी बात मान लो, सोमवार को सैलरी आपकी 100% आ जाएगी, वो भी एक महीने की, तो हम लोगों ने तसल्ली कर ली थी कि चलो एक महीने की सैलरी आ जाएगी, आगे हम लोगों का पैसा आता रहेगा, लेकिन वो भी नहीं आया। जब मेन सीनियर का हमारा जो जीएम है उसका भी वादा कट गया, तो हम किसकी बात माने और किसके पास अब जाएं हम, इसलिए हमारा सरकार, हमारा सहारा है सिर्फ सरकार से, अनुरोध सरकार से करता हूँ कि हमारा पूरा पिछले महीने का, पिछले साल का हिसाब क्लियर करवाए और हमारे ड्राइवरों को सहारा दे, क्योंकि ड्राइवरों को मारने की धमकी देते हैं, ड्राइवरों को धमकाते हैं, पीटने की भी धमकी देते हैं और नौकरी की निकालने की धमकी देते हैं। जोगिंदर क्या, पिछले 2 महीने से नहीं आ रहा हूँ, सैलरी नहीं मिलने के कारण नहीं आ रहा, घर पे बच्चे हैं, राशन के लिए भी तरस रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई पड़ी है। हटाया क्यों था ये बता, और हटा इसलिए दिया था कि मैंने कुछ बोला उनसे, सवाल करे कि सैलरी कब दोगे कब नहीं दोगे, उन्होंने मेरा ट्रांसफर कहीं और कर दिया, वहाँ गाड़ी चला, उससे फिर मेरा शाम का टाइम काम था थोड़ा बहुत, रेडी लगाता था, वो भी मेरी बंद करवा दी थी, इस कारण मेरे को कंपनी से मतलब आड़ा बंद कर दिया मैंने। और भी जो भी पिछले 1 साल से पीएफ जमा नहीं हुआ है, 5 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है 1%, और 4 महीने की सैलरी नहीं आई है, कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से खाएंगे, बताओ क्या करते हो जी सर, क्या करते हो आप वहाँ पे? तो आज जैसे 4 महीने बाद आप लोग इकट्ठे हुए, इससे पहले क्यों नहीं सोचा आपने इकट्ठे होकर के? जो हमारे जीएम है वो बोलते हैं कि सैलरी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, आदमियों को तोड़ दिया जाता है। हाँ जी, तो आप कब से काम कर रहे हो, कब से काम कर रहे हो? काम कर रहे हैं हम तो मतलब बहुत हो गए, 3 साल हो गया हमारे, 3 साल सैलरी कब से नहीं मिली है? सैलरी 4 महीने से मतलब कि नहीं मिली, 5 महीना चढ़ गया है। उससे पहले टाइम पे सैलरी मिलती थी? उससे पहले मिलती थी। तो अभी 4 महीने से क्या दिक्कत हुई है? 4 महीने से कमरे वाले आते हैं, राशन वाले बंद कर दिए, राशन ना दे रहे हैं, बंद कर दिए, फिर एडवांस दिए थे कुछ पैसे 5-5 हजार रुपया हम लोग का, उसमें कुछ दिन लग के चला, फिर खत्म हो गया, कमरे वाला किराया 5000 रुपये हो रहे हैं, वो लोग बोल रहा है कि बैंड जो खाली कर दे कमरा, नहीं तो फिर पैसा दे और अभी कल ही परसों की बात है, हमारे ड्राइवर का यानी ड्राइवर खत्म हो चुका है, उसके घर में इतनी परिस्थिति पड़ी हुई है, जो कि डेट कर गया ड्राइवर, ट्रैक्टर का ड्राइवर था, उस बंदे का भी टाइम से पैसा नहीं पहुंचा है। यदि किसी ड्राइवर को कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो किसी ड्राइवर को ये लोग 1000 रुपये एडवांस नहीं देते, तनख्वाह क्या देंगे ये, और उसके बाद में अगर कुछ बोलते हैं तो मारने पीटने के लिए धमकी, माँ बहन की गाली देते हैं, तो यहाँ ड्राइवर मजदूर आदमी माँ बहन की गाली सुनने आता है क्या, क्या इनके नीचे दबके काम करेगा? 7 साल से वादा, जो भी सीनियर बैठा, बड़ा से बड़ा भी सीनियर बैठा, उसके पास बात करो तो सीधा कहता है मैं नौकरी से हटा दूंगा। ये प्राइवेट लिमिटेड इको ग्रीन कंपनी हर चीज से हम लोगों को दबाते रखती है, हर ड्राइवरों को दबाती है, हर मैकेनिक को दबाती है, हर वाइफ को, किसी को सहारा नहीं देती है। किसी के घर में कोई इमरजेंसी पड़ जाए, किसी का कोई बीमार पड़ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, इनसे अगर 10 रुपए भी मांगो तो ये देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, और ड्राइवर की सैलरी से तनख्वाह काटते हैं।